हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द वेज करी मंत्रा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खीटू की बर्फी। खीटू यानी घी का रेसिड्यू। और इस रेसिपी के लिए हमको चाहिए 1.5 कप खीटू, आधा कप दूध का पाउडर, 3/4 अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड किए हुए, आधा कप दूध, 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क। बहुत सिंपल रेसिपी है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं कि एक बाउल में मैंने खीटू लिया हुआ है। अब हमें करना क्या है कि दूध छोड़कर बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स खीटू में मिक्स कर लेने। सबसे पहले ये कंडेंस मिल्क मैंने यहाँ ऐड किया है, फिर दूध का पाउडर और ड्राई फ्रूट्स जो हमने पीसे हुए हैं वो आप चाहे तो थोड़ा दरदरा रख सकते हैं, इसे ये आपकी चॉइस है। और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और बस मिला के पकाना है। फटाफट एक पैन में थोड़ा सा दूध गर्म करेंगे और एक उबल आने के बाद गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और सारा मिक्सचर दूध में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि पूरा गाढ़ा होकर पैन ना छोड़ने लगे। और हाँ, अगर आपको खीटू की स्मेल ना पसंद हो नहीं तो यहाँ पे थोड़ी बूंदे एसेंस की डाल दीजिए। फटाफट आपका चुटकियों में बन जाएगा। ऐसे ही और भी घी के रेसिपी से बनने वाले डिशेज हम लाते रहेंगे, तो वेज करी मंत्रा को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। देखिए, ये हमारा मिक्सचर तैयार है, पैन को छोड़ने लग गया है। गैस बंद कर दीजिए और कोई भी प्लेट, थाली, जो भी टिन हो इस तरह का, उसे ग्रीस कर लीजिए घी से। और ये पूरा खीटू का जो मिक्सचर है, हमारा मिठाई मिक्स जो बन गया है, उसको निकाल लेंगे इसमें। और बस मिठाई के शेप के हिसाब से हमें इसे सेट कर लेना है। आप स्पैचुला से कीजिए या फिर मेरी तरह आप कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। गर्म है तो बी केयरफुल। देखिए, कटोरी से मैं इसे सेट कर दूंगी इस तरह से टैप टैप करके, और इस पर ड्राई फ्रूट्स थोड़े डाल देंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। इस तरह से कट कीजिए और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए, ठंडा होने के बाद ना कुछ इस तरह की मिठाई आपकी बनेगी। ये बड़ी बढ़िया से खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और इस पॉइंट पर आप देखिए, ना हाथ से चिपकेगी ना कुछ, और एकदम बढ़िया यूज़ है ये आपके खीटू का। टेस्टी भी और हेल्दी भी, क्योंकि घी का है। खाइए, मज़े उठाइए और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए द वेज करी मंत्रा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।